मेरे प्यारे भाइयों और मेरे जो दोस्तों बोकुड़ वाला भाव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो गोट फार्मिंग हम सही तरीके से कैसे कर सकते इसके रिलेटेड है। तो दोस्तों, जो कुछ भाई लोग यहाँ गोट फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं उनको एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें कितनी लागत लगनी चाहिए या फिर कितनी जगह पे कितने बकरे बैठते, कितनी बकरे बैठती, हमारे पास कितनी जगह होनी चाहिए, कितनी जगह में चारा लगाना चाहिए, हमारे पास सबसे पहले हम कितने बकरे से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हमें उसमें मेल कितने होने चाहिए, फीमेल कितने होने चाहिए, ये सब जो लोग सोचते हैं और उसके बाद ही गोट फार्म चालू करते हैं और सोचते कि इसमें से हमें प्रॉफिट कितना लगेगा। तो इसमें प्रॉफिट कितना निकलेगा, मतलब जो कोई हम भंडवल डाल रहे हो निकलेगा या नहीं, जो पैसा लगा रहे हो निकलेगा या नहीं, ऐसे सोच के बहुत सारे लोग इसमें डर जाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, दो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 फीमेल लेने और 4 से 5 मेल अपने को लेने, उससे ज़्यादा हमें जानवर डालना नहीं, क्योंकि हम इस धंधे में नए हैं और हमें जानवर को हैंडल करना भी नहीं आता है और हमें स्टेप बाय स्टेप जो कुछ धंधा है स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको छुकोगे तभी आपके लिए अच्छा लगेगा, अगर आपने एकदम से उसमें छलांग लगा दी तब आप उसमें डूब जाओगे दोस्तों और आप लॉस में चले जाओगे। दोस्तों, जो कुछ भी हमें एक मेल लेना है उससे हमें बकरे क्रॉस करने, और जब भी बकरी 5 5 6 6 महीने में बच्चे देगी तो उसको बड़ा करके उसको बेच के हमें प्रॉफिट कमाना है दोस्तों। तो इसलिए हमें अपने फार्म पे कुछ मेल और कुछ फीमेल रखना जरूरी है। अगर आप टॉप क्वालिटी की नस्ल रखते हो जैसे कि सोजत है, जमुनापारी है और तोता परी है, ऐसी टॉप क्वालिटी का अगर आप नस्ल रखते हो तो आपको 101% इसमें जो कुछ मुनाफा है वो मुनाफा मिलेगा दोस्तों। दोस्तों, जो कुछ अपने फार्म पे मेल प्रोडक्शन होगा तो मेल आपका जो कुछ लागत है लागत को डबल करेंगे, और जो कुछ फीमेल अपने पास प्रोडक्शन होगी तो फीमेल अपनी लागत को ट्रिपल करेंगे, क्योंकि साल भर में संभालने के बाद वो भी प्रोडक्शन देने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए जो कुछ फीमेल है फीमेल अपना जो मुनाफा है वो ट्रिपलेट करती चली जाएंगी। तो इसमें सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप अच्छे तरीके से पेशेंस रखते हो और धंधे में अच्छे तरीके से ध्यान देते हो तो 100% आप गोट फार्मिंग में जा सकते हो और आपको उधर से अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बोकड़ वाला भाऊ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।